लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के पूर्वी लद्दाख के दो दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन यानी मंगलवार को नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारियों का जायजा लिया। लेह पहुंचने के बाद जनरल नरवणे ने सेना के अस्पताल का दौरा किया, जहां पर घायल सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। नरवणे के साथ नार्दन कमांड के कमांडर ले जनरल वाईके जोशी भी उनके साथ दौरे पर हैं। इस दौरे में नरवणे चीनी सेना के साथ पिछले 7 हफ्ते से जारी गतिरोध पर लद्दाख में सैन्य कमांडरों के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में भारत की सैन्य तैयारियों का जायजा लेंगे। आज सेना प्रमुख अग्रिम चौकियों का दौरा कर सकते हैं। जनरल नरवणे लेह में चीन से सटी संवेदनशील सीमा सुरक्षा संभालने वाली 14वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से बात करेंगे। पिछले सप्ताह वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने लद्दाख का दौरा किया था और एलएसी पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया था। भारत चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बीच सोमवार को एक बार फिर मोल्डो में बैठक हुई। इस दौरान भारत ने चीन से साफ कहा कि वो 5 मई से पहले जिस स्थान पर ठहरा था उसी स्थान पर वापस लौट जाए। बताया जा रहा है कि दोनों देशों में सीमा तनाव को लेकर सहमति बन रही है। इससे पहले 15 जून को चीन के सैनिकों ने नुकीली के लगे रॉड डंडों और पत्थरों से भारतीय जवानों पर हमला कर दिया था। इस हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे।